करता हूँ अपने इस YouTube चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और आज का जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली एलिमेंट्री का कैनाल है और ये पर्टिकुलर किस ऑर्गन से जुड़ा है, सबसे पहले बात की थी ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या हो गया, ये अपना स्टमक हो गया। अब पर्टिकुलर स्टमक से ही एक अलग से एक और नीचे ऑर्गन जुड़ा है जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल में होता क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलर इस एरिया में, यानी कहने का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इनक्लोज कैविटी के अंदर ये पर्टिकुलर इस तरह से हुए रहते हैं, एक दूसरे में घूमे हुए रहते हैं। लेकिन समझने के लिए यहाँ पर सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़े देखेंगे लेंथ कितनी होती है। लेंथ इसकी होती है 6 मीटर, सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इट इज एक्सटेंडेड, कहाँ से होती है, ये स्टमक से जुड़ी हुई होती है। अपर साइड किससे, इट इज़ कंटिन्यू विथ स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन करता है या जोड़ता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूस विथ स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड टू द, कहाँ से, इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्टमक एट पाइलोरिक, टू कहाँ तक, टू द सीकम, या कह सकते हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोसीकल वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है जो कि कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये लार्ज पोर्शन है जिसे कहते हैं इलियम, ये कनेक्ट होता है सीकम से। सीकम क्या है, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ये क्या अभी बना रहा हूँ, ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है इससे कनेक्टेड है। और किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वॉल पाया जाता है जिसका नाम है इलियोसीकल वॉल पाया जाता है। तो हमने देखा कहाँ से कहते हैं, इट इज़ कंटिन्यू विद द स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियोसीकल वॉल। ये हो गया। नेक्स्ट, इसकी बात करें तो इसके पार्ट कितने होते हैं, देयर आर थ्री पार्ट। कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, नेक्स्ट इलियम। ये तीन पार्ट होते हैं इसके पार्टिकुलर। नेक्स्ट, इसके अंदर मेन पॉइंट क्या क्या है, ये इसके तीन पार्ट होते हैं। अब तीनों पार्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ड्यूडेनम के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूडेनम में क्या होता है, इसकी सबसे पहले लेंथ देखेंगे। हमने टोटल बात की थी, टोटल इसकी कितनी लेंथ होती है, 6 मीटर होती है। उसमें से अगर बात करें कि ड्यूडेनम की कितनी होती है, तो ड्यूडेनम की होती है लगभग 30 टू 50 सेंटीमीटर। और पर्टिकुलर इट इज़ एक्सटेंडेड, या कह सकते हैं ये कहाँ पर होती है, ये जस्ट स्टमक के बाद जो पहला पोर्शन होता है, इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। एंड इट इज़ कर्व्ड एट हेड ऑफ पैनक्रियास। हमने देखा था पर्टिकुलर ये पैनक्रियास थी, यहाँ पर पैनक्रियास थी और ये क्या था, ये हेड था, ये बॉडी थी, ये टेल था। तो क्या था कि पैनक्रियास की हेड पर ये ड्यूडेनम क्या है, कर्व्ड है। तो यहाँ पर इट इज़ कर्व्ड एट द हेड ऑफ पैनक्रियास। तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ इसमें पर्टिकुलर हिस्टोलॉजी की बात करें, ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी की बात करें, तो इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो कि पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर सेल की बात करें तो इसमें पाई जाती है आई सेल, ये हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डाल सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ड्यूडेनम। यहाँ पर क्या पाई जाती है, आई सेल पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पाई जाती है एस सेल, यहाँ पर पाई जाती है ब्रूमर ग्लैंड, ब्रूनर
ग्लैंड पाई जाती हैं। और जो आई सेल होती है ये क्या निकालती है, आई सेल होती है ये निकालती है सीसीके, सीसीके एक हार्मोन्स होता है, इसका फुल फॉर्म आता है कोलीसिस्टोकाइनिन। ये क्या होता है, कोलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स है जो कि आई सेल ऑफ ड्यूडेनम से निकलता है। और ये क्या काम करता है, ये कोलेरेक्टिक एजेंट और कोलेगोग, ये कोलेरेक्टिक एंड कोलेगोग एजेंट हैं दोनों। ये क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर लीवर को या गाल बेडर को स्टिमुलेट करते हैं बाइल के लिए। तो ये हो गया कोलीसिस्टोकाइनिन। जो एस सेल है पर्टिकुलर इसका सिक्रेशन क्या है, ये निकालती है सिक्रेटिन। ये भी एक क्या है, हार्मोन्स है, ये भी क्या है, हार्मोन्स है। ये क्या है, ये भी कोलेरेक्टिक और कोलेगोग एजेंट है। ये क्या, ये एजेंट क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एजेंट लीवर और गाल बेडर को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहाँ से बाइल का सिक्रेशन किया जा सके। नेक्स्ट होती है ब्रूमर ग्लैंड। जो ब्रूमर ग्लैंड होती है, यहाँ पर ब्रूमर ग्लैंड की बात करें, ब्रूमर ग्लैंड, ये जो ब्रूमर ग्लैंड होती है ये सिक्रेट करती है अल्कलाइन मीडियम रिच इन बाईकार्बोनेट। ये एल्कलाइन मीडियम का सिक्रेशन करती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाईकार्बोनेट होने के कारण जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो इसीलिए एल्कलाइन होता है क्योंकि उसके अंदर ब्रूमर ग्लैंड पाई जाती है और पर्टिकुलर एल्कलाइन मीडियम सिक्रेट करता है जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, बाईकार्बोनेट की होती है। तो यहाँ पर देखा, नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ड्यूडेनम से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम ड्यूडेनम से निकलता है जिसका नाम है इंट्रोकाइनेज। क्या है, इंट्रोकाइनेज एक एंजाइम है। ये क्या करता है, पर्टिकुलर जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम है ये पैनक्रियाटिक जूस में कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। तो जो इंट्रोकाइनेज है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, किसमें, ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में चेंज करता है, यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को और छोटा तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। और ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने वाला कौन सा है, इंट्रोकाइनेज एंजाइम है। और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और जो ये एंजाइम इंट्रोकाइनेज है ये सीक्रेट होते हैं ड्यूडेनम से। तो ये बात हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले देखा इसकी लेंथ कितनी है, 30 से 50 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है जो कि हेड ऑफ पैनक्रियास पर ये कर्व हुआ है। नेक्स्ट इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें आई सेल पाई जाती है जो पर्टिकुलर सिक्रेशन करती है सीसी के कोलीसिस्टोकाइनिन का। ये क्या है, कोलेरेक्टिक और कोलेगोग एजेंट है जो कि लीवर और गाल बेडर को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें पाई जाती है एस सेल, सिक्रेटिन इसके द्वारा सिक्रेट होता है जो कि हार्मोन्स है। ये दोनों हार्मोन्स है जो कि कोलेरेक्टिक एंड कोलेगोग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये भी सेम लीवर और गाल बेडर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम है इसमें ब्रूमर ग्लैंड पाई जाती है। ब्रूमर ग्लैंड का पर्टिकुलर काम होता है कि इसके अंदर एल्कलाइन मीडियम का सिक्रेशन करती है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है बाईकार्बोनेट की। बाईकार्बोनेट के कारण ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पीएच एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर पाई जाती है इंट्रोसाइट्स के द्वारा इंट्रोकाइनेज एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जिसमें इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये ट्रिप्सिनोजन पॉलीपेप्टाइड का पेप्टाइड में जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल से उसको छोटी सी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करने या तोड़ने का काम ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करें, ये हो गई ड्यूडेनम की कुछ बात। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में जिसका नाम है जेजुना। यहाँ पर देखिए ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होता है आयरन का। यहाँ पर लिख सकते हैं द अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन इज अब्सॉर्ब इन हाई अमाउंट। क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा अब्सॉर्प्शन अगर कहीं पर आयरन का होता है तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा इसके अंदर आयरन का अब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट बात करें जेजुनम के बारे में, दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, एक्चुअल ये दूसरा पार्ट है या सब बीच वाला पार्ट है। अगर बात करें ड्यूडेनम और इलियम के बीच का पार्ट होता है जिसे कहते हैं जेजुनम। जेजुनम में बात करें तो इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है 80 to 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 80 से 150 सेंटीमीटर होती है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो होती है इंट्रोसाइट। इंट्रोसाइट इंट्रोसाइट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को एक टुकड़ा निकाल कर अगर स्टडी की जाए, उसकी माइक्रो अंडर द माइक्रोस्कोप अगर उसको स्टडी की जाए, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर मिलती हैं। ये क्या हो गई, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई टुकड़ा है, इसमें क्या है फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए। ये यहाँ पर हमने देखा 80 से 150 सेंटीमीटर होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इंट्रोसाइट होती है। अब इंट्रोसाइट की बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा है। अगर इसकी बात करें तो ये जो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई, इसे विलाई कहते हैं। और विलाई के इस छोटे विलाई के ऊपर भी ये छोटी छोटी इस तरह संरचना होती है, इस तरह से संरचना पाई जाती है। और अगर इसका एक टुकड़ा काट कर यहाँ से उठाया जाए, तो इसके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। क्या मिलता है, यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने एक टुकड़ा यहाँ पर उठाया, और उसके बारे में यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है माइक्रोविलाई। इसे कहेंगे माइक्रोविलाई। विलाई यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की होती हैं। इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को विलाई कहते हैं। और इसके ऊपर अगर एक टुकड़ा विलाई का अगर काट करके फिर से अंडर दी माइक्रोस्कोप अगर स्टडी की जाए, तो इसमें माइक्रोविलाई छोटे छोटे हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये इनक्लोज करता है, यानी ये जो विलाई होता है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये इनक्लोज करता है। ये हो गई ब्लड कैपिलरी, और यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरी हो गई, और यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स है। तो यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क पाई जाती हैं, जिसके अंदर फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर पाया जाती है लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरी पाई जाती है। और इसके अंदर पर्टिकुलर फैटी एसिड का ऑब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, क्योंकि अगर बात की जाए कैपिलरी नेटवर्क ब्लड वेसल्स की, तो उसके अंदर का जो ल्यूमन होता है या उसके अंदर पास होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ज़्यादा छोटे की आवश्यकता है। और जो फैटी एसिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं, इसलिए लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर ये ऑब्जॉर्ब होते हैं। और पर्टिकुलर जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसका कलर कैसा होता है, मिल्की कलर होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जॉर्ब होता है फैटी एसिड, और फैटी एसिड के अब्जॉर्प्शन होने से मिल्की कलर होता है, जिसे कहते हैं लैक्टील्स कहते हैं। इसके अंदर अगर लिखे हैं यहाँ पर लैक्टील्स पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। यहाँ पर पाई जाती है कुछ गॉबलेट सेल। ये क्या करती है, गॉबलेट सेल करती है म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और इसके अंदर अगर इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लेंथ होती है, जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ होती है 0.521 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है। और ये क्या करते हैं पर्टिकुलर इन्हीं के द्वारा क्या होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हो गई इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जेजुनम की, जेजुनम के द्वारा जो इंट्रोसाइट होती है इसके अंदर, इंट्रोसाइट सिक्रेट करती हैं पर्टिकुलर एक, इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एक हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस ये एक एंजाइम है जो कि पर्टिकुलर फूड का अब्जॉर्प्शन करते हैं। और जो भी फूड छोटी छोटी इसको भी सकस एंटेरिकस के द्वारा क्या किया जाता है, फूड को ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया अपना जेजुनम। नेक्स्ट बात करते हैं इलियम के बारे में। इलियम का जो लेंथ है वो कितनी होती है, उसकी होती है समथिंग 400 to 450 सेंटीमीटर। जो इलियम है, अगर इलियम को एक ओर रखा जाए और दूसरी ओर
पूरी एलिमेंट्री कैनाल को रखा जाए तो कहीं उससे ज़्यादा जो एलिमेंट्री या कह सकते हैं जो अपना इलियम की जो लेंथ है वो कहीं ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 400 से 450 सेंटीमीटर है ये एलिमेंट्री कैनाल से कहीं ज़्यादा बड़ी इसकी लेंथ है। तो ये कह सकते हैं अगर एक और रखा जाए पूरी एलिमेंट्री कैनाल को और सिर्फ एक और रखा जाए सिर्फ किसको इलियम को रखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी इलियम की। नेक्स्ट बात करें सबसे ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर इन मैक्सिमम। यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहीं होता है तो वो कहाँ पर होता है, ये होता है इलियम में होता है। नेक्स्ट बात करें कि ये तो बात हो गई इलियम की कि सबसे ज़्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, न्यूट्रिएंट्स का सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है। न्यूट्रिएंट्स का सिर्फ मतलब है वहाँ से विटामिन और मिनरल्स का सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स जेजुनम में अब्जॉर्ब किया जाते हैं, वहाँ पर डाइजेशन होता है। और सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ये होता है इलियम में। तो ये हो गई इलियम के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोसाइट के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी सेल जो होती है इंट्रोसाइट होती हैं, इंट्रोसाइट के द्वारा एक जूस का निर्माण किया जाता है या जूस का सिक्रेशन किया जाता है, उसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। यहाँ इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में सबसे पहले इसके अमाउंट देखेंगे। अगर सबसे पहले अमाउंट कितना होता है, इसका होता है अमाउंट लगभग अबाउट 150 या कैसे 1500 से 2000 ml, डेढ़ लीटर से दो लीटर तक लगभग सक्कस एंटेरिकस का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। और इसका पीएच जो है पीएच 8-9 ड्यू टू बाइकार्बोनेट के कारण सबसे ज़्यादा पीएच या इसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। और कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है इसमें, वाटर प्लस सोलिड, जो वाटर होता है वो 99.5% होता है और प्लस सोलिड होता है 0.5%। अब यहाँ पर वाटर 99.5 और 0.5% यहाँ पर सोलिड होता है। तो यहाँ पर सोलिड के बारे में बात करेंगे, इसका अमाउंट होता है लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर तक और इसका पीएच होता है 8-9 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट होता है इसका जो कंपोजिशन है उसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% सोलिड होता है। तो यहाँ पर सोलिड की बात कर रहे हैं, सोलिड में इसके फिर से इसका क्लासिफिकेशन होगा, यहाँ पर होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है सोडियम पोटेशियम और इसमें पाया जाता है बाइकार्बोनेट, ये पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, मैक्सिमम अमाउंट होती है बाइकार्बोनेट। ये हो गया इसके अंदर कंपोनेंट्स के बारे में इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक की बात करें इसमें पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन कौन से पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले जिसे कहते हैं, नेक्स्ट प्रोटीन का पाचन करने वाले, नेक्स्ट फैट का डाइजेशन करने वाले, ये तीनों कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का भी अब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेशन करते हैं और प्रोटीन का भी डाइजेशन करते हैं और फैट का भी डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स क्या कहते हैं, सबसे पहले इसे कहते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम, या इसे कहेंगे ये एमाइलोलाइटिक एंजाइम है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। अगर ये इंटेस्टाइन से निकल रहा है तो इसे कहेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये क्या है इंटेस्टाइनल लाइपेज, इसके अंदर पाए जाते हैं पर्टिकुलर माल्टेज और इसके अंदर पाए जाते हैं सुक्रेज, इसके अंदर पाए जाते हैं लैक्टेज, क्या क्या पाते हैं माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज पाए जाते हैं। और जो माल्टेज है माल्टेज का क्या एक्शन है, ये अपने अंदर पर्टिकुलर डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में आती है माल्टोज आती है
माल्टोस का माल्टेज के द्वारा, माल्टोस क्या करते हैं, माल्टेज यहाँ पर अगर लिखें तो यहाँ पर क्या करता है, माल्टेज क्या एक्शन करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इसमें तोड़ देता है। अब पर्टिकुलर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है अपने लिए मोनोसेक्राइड्स, क्या है ये मोनोसेक्राइड, दोनों क्या हैं मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। और सबसे छोटी फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स से कौन सी होती है, मोनोसेक्राइड्स होती है, और ये मोनोसेक्राइड्स आप क्या होगी डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट होता है सुक्रेज, ये सुक्रेज क्या करता है, पर्टिकुलर अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज क्या करता है, पर्टिकुलर ये सुक्रोज यहाँ पर एक्ट करती है और ये चेंज करती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी सुक्रेज क्या है डाइसैकेराइड्स और ग्लूकोज क्या है मोनोसैकेराइड्स और फ्रक्टोज क्या है मोनोसैकेराइड्स, ये दोनों में तोड़ देता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्या है, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम किस पर काम करता है, लैक्टोज, लैक्टोज सबसे ज़्यादा मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, लैक्टोज क्या करता है यहाँ पर लैक्टोज एक्शन करता है, लैक्टोज पर लैक्टेज करता है, लैक्टेज एक्शन करता है और ये तोड़कर बनाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज पाया जा रहे थे, वहाँ पर टाइलिन पाया जा रहा था, तो वहाँ पर क्या कर रहा था पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में चेंज कर रहा था, मोनोसेकेराइड्स में चेंज कर रहा था। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये पर्टिकुलर इसके एंजाइम्स पाए जा रहे थे पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस में क्या कर रहा था, वहाँ पर भी पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में चेंज कर रहा था, और यहाँ पर बात करें जो डाइसेकेराइड्स है डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में चेंज करने का काम कर रहा है, और ये तीनों ये सारी चीज़ कहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, डायरेक्टली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड में ये डायरेक्टली आप अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किसका डाइजेशन कर लिया, ये कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, अब नेक्स्ट डाइजेशन कराते हैं प्रोटीन का। ये डाइजेशन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो गया क्योंकि हमारी सबसे छोटी फॉर्म जिसे कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पर जो अमाइलोलाइटिक है यहाँ पर लिखेंगे प्रोटियोलाइटिक ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि इंटेस्टाइन के द्वारा लीवर के द्वारा और वहाँ पर कह सकते हैं अपना पैनक्रियास के द्वारा क्या हुआ था, पैनक्रियाटिक कुछ एंजाइम्स थे जैसे जिसे कहते हैं ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ था और ट्रिप्सिन क्या किया था पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में चेंज किया था। तो ये क्या करेगा पेप्टाइड को क्या किस में चेंज करेगा, ये अमाइनो एसिड इसमें एक्ट करने वाला यहाँ पर एक एंजाइम है जिसे कहते हैं पेप्टिडेज, क्या है पेप्टिडेज एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है, ये पर्टिकुलर क्या करता है पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, अब क्या करेंगे ये डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया अपना पेप्टाइड, इसके पहले क्या हुआ था, सबसे पहले अगर बात करें प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा था, ओरल कैविटी से नहीं हो रहा था, और स्टमक में इसका हो रहा था क्योंकि वहाँ पर रेनिन पाया जा रहा था, वहाँ से इसका अब्जॉर्प्शन चालू हो गया था, और पेप्सिनोजन भी वहाँ पर पाया जा रहा था जिसके द्वारा वहाँ पर स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद पर्टिकुलर इसमें पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाया जा रहा था जिसका नाम है कीमोट्रिप्सिनोजन, वो इनएक्टिवेटेड था जिसको एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बनाया गया था, ट्रिप्सिन क्या किया था पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में चेंज किया था, और जो कीमोट्रिप्सिनोजन है उसका कीमोट्रिप्सिन में हुआ था वो क्या करता है कैसियोजन मिल्क प्रोटीन को कैसिन में चेंज किया था। अब यहाँ पर पेप्टाइड मिल गया था, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलना काम है, यहाँ पर किसका काम है पेप्टिडेज का काम है, पेप्टिडेज एंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट हुआ, और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करके ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब ऐसी फॉर्म में जिसका अब्जॉर्प्शन हो सकता है उस फॉर्म में ले आया और ये अब्जॉर्ब हो गया। ये हो गया अपना पेप्टिडेज जो कि प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लाइपोलाइटिक एंजाइम, इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये क्या करता है इंटेस्टाइनल जो लाइपेज होता है ये क्या करता है पर्टिकुलर अपने बॉडी के अंदर क्या हुआ था इसका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया था किसके अंदर से पैनक्रियास के अंदर क्या पाया जा रहा था वहाँ पर पर्टिकुलर इसको यानी फैट को अब्जॉर्ब करने वाले कुछ एंजाइम्स पाए जा रहे थे जिसका ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर क्या हुआ था ट्राइग्लिसराइड का मोनोग्लिसराइड में वहाँ पर कन्वर्ट हुआ था और पूरा नहीं हो पाया था यहाँ पर क्या होगा ट्राइग्लिसराइड का मोनोग्लिसराइड
मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। और मोनोग्लिसराइड क्या होते हैं, पार्टिकुलर यहाँ पर होते हैं फैटी एसिड। इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा इस पर एक्ट किया जाएगा और ट्राइग्लिसराइड को किस में चेंज किया जाएगा, फैटी एसिड में चेंज किया जाएगा, और फैटी एसिड किस में डायरेक्टली अब्जॉर्व हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्टली अब्जॉर्ब ये अब ब्लड स्ट्रीम या इंटेस्टाइन के अंदर सीधा चला जाएगा और ब्लड में ये मिल जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जॉर्प्शन, तीनों चीज़ का ऑब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं ये सारी चीज़ हो गई, इसके अंदर फूड का ऑब्जॉर्प्शन हो गया, इसके अंदर सक्कस एंटेरिकस जूस आया, डाइजेस्टिव जूस आया, जिसके अंदर सब कुछ सारा चीज़ ऑब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले फंक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखा कि यहाँ पर फूड का ऑब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स किसका है, फूड का और न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर जो काइम अपने स्टमक से इसमें आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिलाइज द पीएच ऑफ काइम बाय कार्बोनेट। नेक्स्ट यहाँ पर इसका क्या काम होगा, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। यहाँ पर हार्मोन्स और एंजाइम्स का भी सिक्रेशन किसके द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा किया जा रहा था। हार्मोन्स की बात करें इसमें कौन कौन सा था, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एंजाइम्स क्या था, इंट्रोकाइनेस था, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाई जा रही थी। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका सिक्रेशन कब स्टिमुलेट होता है, जब बेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है, तब ये ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं और ज़्यादा इसके अंदर सिक्रेशन होता है। तो ये हो गई कंप्लीट जानकारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आशा करता हूँ जितना कुछ पढ़ाया गया है वो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।